मांझी जी को न्योता मिल गया है, कहां से? राष्ट्रीय जनता दल से। आरजेडी के प्रवक्ता और नेता लगातार कह रहे हैं कि मांझी जी का सम्मान उस पार्टी में नहीं हो रहा है। मांझी जी आरजेडी में आ जाइए, आपको ज्यादा सम्मान मिलेगा। और आरजेडी के प्रवक्ता यह कहते हुए नजर आए कि नीतीश जी से ज्यादा संबंध मधुर है लालू जी से, जीतन राम मांझी का। तो यही बातें 6 महीना और चुनाव के पहले अगर समझा लेते तो शायद मांझी जी महागठबंधन की ओर से लड़ते हुए नजर आते, मगर वह भी सही समय पर सही फैसले चलकर मांझी जी ने भी यह साफ कर दिया कि हम नीतीश बाबू ने ही हमें मुख्यमंत्री बनाया था और नीतीश बाबू ने ही हमें अभी पार्टी में चुनाव लड़ने के लिए सही सीटें दे रहे हैं। तो वह मौके की जिस तरह से नजाकत को जीतन राम मांझी समझते हैं और जिस माहौल को अभी बिहार में समझ रहे हैं कि नीतीश विरोधी माहौल बन चुका है और बना हुआ है, वह उस परिणाम से भी साफ हो गया था। तो जीतन राम मांझी जिधर भी रहते हैं वह अपनी पार्टी को दबाव में लाते हैं, इसीलिए जीतन राम मांझी अभी एकदम कहा जा सकता है कि जनता और नेता का भी फेवरेट हो चुके हैं। भले ही जनता दल यू का फेवरेट नहीं हो, भले ही नीतीश कुमार के लिए अड़चन हो, मगर नीतीश कुमार के लिए जो अड़चन चिराग पासवान की तरफ से आ रहा था, मगर चिराग पासवान अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, मगर मांझी जी को समर्थन कर रहे हैं। तो मांझी जी के समर्थन करने का मतलब हुआ कि नीतीश कुमार के परेशानी जो कर रहे हैं वह उनके साथ हैं। यह भी कहा जा रहा है कि जब लालू यादव बिहार आएंगे तो नीतीश कुमार की कुर्सी हिल सकती है और नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बने रहना मुश्किल हो सकता है। अब देखना यह है कि बीजेपी और जदयू के लोग अभी परेशानी में नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुकेश सहनी तो थोड़ा शांत नजर आ रहे हैं, मगर जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री बिहार का रहे हैं 10 महीने तक, वह शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनका कहना है कि जो बातें होगी, जो मांगे होगी, वह लगातार उठाऊंगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिल करके मैं ये बातें साफ करूंगा। जीतन राम मांझी की पार्टी में बैठक हो चुकी है, उसके बाद भी फिर अभी मीटिंग जारी है, लगातार वह मीटिंग कर रहे हैं कि अब आखिर क्या फैसला लिया जाए। कई बातें हमने पहले भी सुना चुके हैं कि आरजेडी की तरफ से यह भी बयान आ चुका है कि जदयू के कई विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं और जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी का सहयोग आरजेडी को मिल सकता है अगर लालू प्रसाद यादव जिस प्रकार से संपर्क साधे हुए हैं और जिस हिसाब से दिल्ली से ही वह मॉनिटरिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए यह खुश होने वाला विषय है। मगर जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद से हटे नहीं, तब तक शायद उनका सपना इतनी आसानी से पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार एन केन प्रकारेन वह किसी भी प्रकार से 122 विधायक लाने में कामयाब हो जाते हैं। ये बातें लालू यादव भी जानते हैं। लालू यादव भी इस जोड़ जुगाड़ में लगे हुए हैं कि किसी भी प्रकार से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए, मगर फिलहाल मैंडेट नीतीश कुमार के पास है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। मगर उसके सिक्के के कई पहलू हैं। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हैं जो अभी बागी हो चुके हैं नीतीश कुमार से। कई बार वो लग रहा था कि नीतीश कुमार पर दबाव बनाना चाहते हैं, मगर अब यह साफ हो गया है कि जीतन राम मांझी अब नीतीश कुमार से पूरी तरह से टक्कर लेने के लिए तैयार हैं, जबकि उनके पुत्र नीतीश कुमार के कैबिनेट में मंत्री हैं और मुकेश सहनी भी मंत्री हैं। मगर ये बातें जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी जानते हैं कि नीतीश कुमार के पास उतनी सीटें नहीं है, इसीलिए उन्हें अभी दबाव में लाया जा सकता है। तो अभी के लिए फिलहाल हम इतना ही कहेंगे कि जो आर पार की लड़ाई है और जो बातें कही जा रही है कि लालू के सीधे संपर्क में है जीतन राम मांझी, इन बातों पर तब तक मुहर नहीं लग सकती या इन बातों को तब तक सही नहीं हो सकता जब तक कि नीतीश कुमार हट नहीं जाएं या नीतीश कुमार को लालू अपने पाले में न मिला लें। तो अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। झकास भारत आप देख रहे होंगे, बिहार की ये राजनीति की खबरों की ये प्लेलिस्ट थी। इससे पहले हमने अभ्यर्थियों के मुद्दों को लेकर बात की। हम चाहेंगे कि और भी अगर हमारे पास वक्त मिलेगा तो हम देश की खबरों पर भी 3 खबरें उस पर भी मैं सुना सकूं 3-4 मिनट का। अभी के लिए इतना ही कहूंगा। झकास भारत को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करिएगा ताकि वहां से भी सूचनाएं और खबरें आप तक जाती रहे। मेरा नाम हुआ रविकांत और अभी के लिए धन्यवाद।